हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूं आप लोगों के लिए रेलवे की कुछ अपडेट लेके। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने कभी सुना है कि जब ट्रेन आई तो रेलवे स्टेशन के सारे लाइट जल गए और जब ट्रेन चली गई तो सारे जो लाइट थे वो ऑफ हो गए। ऐसा ही कुछ हुआ है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण कौन कौन से ट्रेनों को साप्ताहिक कर दिया गया है और किन किन ट्रेनों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको पता है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको जाके बस आपको क्लिक कर देना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी शिकायत हो या फिर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आप मुझे वहाँ पर कर सकते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। आपको स्क्रीन पर आईडी दिख रहा होगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लें। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहली अपडेट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीज़न में जबलपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है। भोपाल मंडल में प्लेटफॉर्म की लाइटों को होम सिग्नल और स्टार्टर सिग्नल से जोड़ा गया है। इससे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने के दौरान लाइटें ऑटोमेटिक जल जाएंगी और ट्रेन के स्टेशन से गुजरने के बाद लाइटें बंद हो जाएंगी। लेकिन सारी लाइटें बंद नहीं होगी, जो 70% लाइटें होती हैं प्लेटफॉर्म पे लगी हुई वो बंद हो जाएगी और जो 30% लाइट होती है वो चलती रहेगी पैसेंजर की सुविधा के लिए। फ्रेंड्स, ये कदम रेलवे द्वारा इसलिए उठाया गया, ये अभी एक ही स्टेशन जबलपुर रेलवे स्टेशन पे शुरुआत हुई है। आपको धीरे धीरे बड़े बड़े और रेलवे स्टेशन पे देखने को ऐसा मिल जाएगा। रेलवे द्वारा ये इसलिए किया गया है क्योंकि आपको मैंने कल वीडियो में बताया था कि भारतीय रेलवे अब सोलर से ट्रेनों को चलाने के लिए, सोलर पावर से ट्रेनों को चलाने के लिए लगा हुआ है और इसकी भी शुरुआत मध्य प्रदेश से ही होगी। बीना रेलवे स्टेशन के पास ही वहाँ पे सोलर पैनल बहुत सारा लगाया गया है जिससे ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो वैसे ही बिजली की बचत करने के लिए भारतीय रेलवे ने ये कदम उठाया है और आपको धीरे धीरे बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे ये देखने को मिल जाएगा कि जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे अराइव होगी तो सारी लाइटें जल जाएंगी और ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जाने के बाद तुरंत जो 70% लाइटें होती हैं वो सारी ऑफ कर दी जाएंगी, वो खुद ब खुद ऑफ हो जाएंगी, कर नहीं दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये बताना था मुझे आपको, ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दूसरी अपडेट ये है फ्रेंड्स, अब रोज़ नहीं चलेंगी ये ट्रेनें, कई की टाइमिंग में बदलाव किया गया। आपको मैं अभी ट्रेनों का नाम बताऊंगा और मैं आपको जिन ट्रेनों का टाइमिंग में बदलाव हुआ है उन ट्रेनों के भी नाम बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ट्रेन ऐसे अभी भी चलाए जा रहे हैं हमारे भारतीय रेलवे में जिसमें रश बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि नई दिल्ली से हावड़ा जाने वाली ट्रेन में बिहार वाले लोग का रश होता है, यूपी वाले लोगों का रश होता है और जो बंगाल जाना चाहते हैं या फिर असम जाना चाहते हैं उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा, न्यू दिल्ली से जब ये ट्रेन चलती है तो उसमें बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय रेलवे ने इन ट्रेनों के टाइमिंग में भी बदलाव किया है और कुछ ट्रेनें जो रोज़ाना चलाई जाती थी उन ट्रेनों को साप्ताहिक कर दिया गया है। मैं उन ट्रेनों के नाम आपको पहले बता देता हूँ जिन ट्रेनों को साप्ताहिक कर दिया गया है। ट्रेन नंबर 02303 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल वाया पटना, ये ट्रेन 11 जुलाई से सिर्फ शनिवार को हावड़ा से चलेगी। ट्रेन नंबर 02304 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया पटना, ये ट्रेन 12 जुलाई से सिर्फ रविवार को नई दिल्ली से चलेगी। ट्रेन नंबर 02381 हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद, ये ट्रेन 16 जुलाई से सिर्फ गुरुवार को हावड़ा से चलेगी। ट्रेन नंबर 02382 नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन वाया धनबाद, ये ट्रेन 17 जुलाई से सिर्फ शुक्रवार को नई दिल्ली से चलेगी। ट्रेन नंबर 02810/02809 हावड़ा मुंबई CMST स्पेशल ट्रेन का संचालन 15 जुलाई से हावड़ा से हर बुधवार को और 17 जुलाई से मुंबई CMST से हर शनिवार को होगा। ट्रेन नंबर 02834/02833 हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन, ये ट्रेन 10 जुलाई से सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को हावड़ा से और 13 जुलाई से सोमवार को अहमदाबाद से चलेगी। तो गाइज, ये तो वो ट्रेनें थी जिनका जो साप्ताहिक कर दिया गया है, जिन ट्रेनों को जिनको वीकली कर दिया गया है। अब मैं उन ट्रेनों की बात कर देता हूँ जिन ट्रेनों का टाइमिंग में बदलाव किया गया है।
ट्रेन नंबर 02213/02214 शालीमार पटना शालीमार स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन इंटरलॉकिंग होने के कारण जो हावड़ा के पास कुछ स्टेशनों के पास इंटरलॉकिंग हो रहा था, इस ट्रेनों का इन ट्रेनों के टाइमिंग को रिवर्स टाइमिंग में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये ट्रेन पटना से रात को 10 बजे खुलती थी और अभी भी 10 बजे खुलेगी, लेकिन हावड़ा ये ट्रेन 6:10 पे पहुँचेगी। पहले ये ट्रेन हावड़ा 5:40 पे पहुँचती थी और ये ट्रेन 7:10 पे पटना पहुँचेगी, जबकि ये ट्रेन पहले 6:40 पे पटना पहुँचती थी। फ्रेंड्स, अगली ट्रेन के बारे में मैं आपको बता दूं, अगली ट्रेन का नंबर है 02377/02378 सियालदा न्यू अलीपुरद्वार सियालदा स्पेशल ट्रेन। इस ट्रेन के भी टाइमिंग में बदलाव किया गया क्योंकि न्यू जलपाईगुड़ी और सियालदा के बीच में डीजल जो इंजन से ट्रेनों को चलाया जाता था, वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जा रहा है, तो इसलिए भी ट्रेन के टाइमिंग में कन्वर्ट किया गया है, ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये ट्रेन सियालदा ये ट्रेन 5 मिनट लेट पहुँचेगी। मतलब पहले ये ट्रेन 12:20 पे सियालदा पहुँचती थी, अब ये ट्रेन 12:25 पे सियालदा पहुँचेगी और ये ट्रेन 5:45 पे अलीपुरद्वार से निकलती थी और ये ट्रेन 5:40 पे अलीपुरद्वार पहुँचेगी। ये कुछ ट्रेनें थी जिनके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें अगर वीडियो पसंद आई तो। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर निकलें मगर मास्क और सैनिटाइजर लेके ज़रूर निकलें।